हे सूरज, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया कि तुम बहुत ही उदास से रह रहे हो। कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। मेरे पिताजी मेरे कारण बहुत ही तकलीफ से हैं। मैं यहाँ पे अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए आया हूँ, बैंक से लोन लेकर। मैं किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों मेरे सीनियर्स ने फिर से मेरे साथ रैगिंग की। उन्होंने मेरे कपड़े उतारे, जबरदस्ती उन्होंने मुझसे ये करवाया। मैंने सोचा कि ये कल तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर आज उन्होंने मुझे फिर से बहुत बुरी तरह मारा। मैं बस परेशान हो गया हूँ इस जिंदगी से। मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ इस जिंदगी से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। अब तो मुझे ये भी नहीं लगता है कि मुझे कुछ जीने का अधिकार भी बचा है। मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। मुझे अब खुद में रहना है। मैं अकेला ही अच्छा हूँ, कहीं भी नहीं रह पा रहा हूँ। क्या हो गया है मुझे? सूरज, अपने दोस्तों के बारे में सोच, अपने खूबसूरत गांव के बारे में सोच, अपने माँ-बाप के बारे में सोच जिन्होंने इतनी मेहनत करके तुझे इस लायक बनाया और तुझे यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा। सूरज, तुम अकेले क्यों बैठे हो? इन कई दिनों में तुमने कितनी मुसीबतों का सामना किया है। तुम अपने माँ-बाप को क्यों नहीं बताते? इन सब चीजों के बारे में सोचना छोड़, अपने आप को दूसरे एक्टिविटीज के साथ जोड़। तू गाना गा, तू डायरी लिख, ये सब चीज तुझे डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए तुझे बहुत हेल्प करेंगे। अपने डर को भूल जा, और अगर फिर भी तुझे कोई प्रॉब्लम है तो हम काउंसलर के पास भी जा सकते हैं। भाई, तू टेंशन मत ले, हम उसके खिलाफ एंटी रैगिंग कमेटी में कंप्लेन कर देंगे जिसने तेरी रैगिंग ली है। हम सब तेरे साथ हैं। ये आज तक मैंने किसी के साथ भी कुछ भी नहीं बताया था, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। कौन हो तुम दोस्त? कहाँ हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम भगवान हो? प्लीज बताओ मुझे।